और अभी टैक्सी वाले बंदे ने अपनी करेंसी में लेना ही बंद कर दिया, उसने कहा यूरो में हमें पे कर दो, क्योंकि उसे उसे डर है कि पता नहीं कि अगले कुछ दिनों में कितना गिर जाएगा इनका करेंसी का प्राइस। एक्चुअली स्पाइस बाजार रास्ते में है, तो पहले हम स्पाइस बाजार जाएंगे और उसके बाद देखते हैं कितना टाइम बचता है हागिया सोफिया जाने के लिए, क्योंकि अंधेरा हो जा रहा है और 1 किलोमीटर चलने में आधा घंटा लग जाएगा। तो ये रहा ग्रैंड बाजार। कैसा लगा? इंडिया जैसा है बिल्कुल। बस थोड़ा और हिस्टोरिकल लग रहा है, और लेकिन उतनी भीड़ है मुझे लगता है जितनी इंडिया में। यहाँ पे मुझे जेब काटने का काफी डर लगा रहता है, इसलिए मैंने वॉलेट यहाँ रख लिया है। वैसे टर्किश में भारत का मतलब स्पाइसेस होता है, इसलिए ये हर जगह लिखा हुआ है भारत भारत। एक्चुअली बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो टर्किश और हिंदी में काफ़ी सिमिलर है, हिंदी या उर्दू में ना बाजार का एक सेम है, बाजार मुझे लगता है मेज, और काफ़ी सारी है जैसे किस्मत हो गया, हाँ, और दीवान, हाँ, इंसान, हाँ, तमीज, मतलब ऐसे काफी सारे मतलब ऐसे शब्द हैं, और कमीज जैसे तेरा कमीज, हाँ हाँ, बहुत सारे वर्ड्स बहुत फैमिलियर हैं, ये पारसी से दोनों की दोनों लैंग्वेजेस मतलब इंस्पायर्ड हैं काफी इस वजह से। लाउड स्पीकर से बड़ी तेज आवाज आ रही है। डिनर के लिए जिस रेस्टोरेंट में आए हैं इसका नाम है मेस रेस्टोरेंट रूफ मेजे 360। ये है एपिटाइज़र प्लेट, इसमें कितनी अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, योगर्ट, हुमस, स्पिनच, ये पान का पत्ता। यू नो नॉर्मल पुलिस इज कॉल्ड पुलिस, बट ट्रैफिक पुलिस इज कॉल्ड ट्रैफिक पुलिसी। रात के 8 बज गए हैं, हमने अब डिनर भी कर लिया है, लेकिन अब फाइनली हागिया सोफिया तक जा रहे हैं चढ़ाई करके, तो चढ़ाई सी है यहाँ पर, लेकिन ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं अब। ये देखो क्या दिखने लग रहा है इसका एक मीनार, पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा है इसका ये टावर, ताजमहल के साइज़ की याद आ जाती है। ताजमहल भी ना फोटोज़ में देखकर नॉर्मल लगता है, लेकिन जब पास जाते हैं तो पता लगता है कि कितना बड़ा है वो एक्चुअली में। सेम इसके साथ भी है। यहाँ पे ड्रेस कोड है, एंड यू लीज प्रिपेयर्ड फॉर गोइंग इन, देयर इज अ ड्रेस कोड फॉर मेन आल्सो, नो शॉर्ट्स ओनली पैंट्स। बट आई लाइक व्हेन देयर इज आल्सो ड्रेस कोड फॉर मेन, अदरवाइज इट फील्स सो फ्रीकिंग वन साइडेड। या अनफॉर्चुनेटली अलीना के पास कोई चीज़ नहीं थी कवर करने के लिए हेड पर, तो अलीना वहीं वेट कर रही है बाहर। शूज भी निकालने हैं यहाँ पर। Oh yeah, let's put them in the same one. पीछे
पीछे है हागिया सोफिया, मैं बीच की लोकेशन में खड़ा हूँ, और इस तरफ है ब्लू मॉस्क, जो कि ब्लू मॉस्क लग नहीं रहा है, अब रेड कलर का लग रहा है क्योंकि अंधेरा हो गया है। और यहाँ पर है बाकी का ग्रुप जो मेरी वेट कर रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग करने लग रहा हूँ। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, अभी अभी हम कमरे में घुसे हैं और जो स्टेडियम हमारे खिड़की से दिख रहा था उसमें मैच चलने लग रहा है। लिटरली जूम इन करके दिखाता हूँ, लिटरली फुटबॉल प्लेयर्स खेलते हुए भी दिख रहे हैं। स्कोर बोर्ड को देखोगे तो आपको 1-0 दिख रहा है और स्टेडियम की आवाज भी आ रही है धीरे धीरे अगर हम चुप रहते हैं तो। और वो देखो फुटबॉल प्लेयर्स खेलते हुए दिख रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस है, मतलब होटल की खिड़की से एक फुटबॉल मैच दिख रहा है। मतलब ऐसे दिख तो क्या रहा है, वो ऐसा नहीं है कि एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हुए हैं ये करते हुए टर्की में। तीसरा दिन दोस्तों, वी आर शूटिंग फॉर डी डब्ल्यू एंड बारा एड्रेनालिन आल्सो स्टिल हियर। इस्तांबुल में दूसरा दिन और आज अच्छी धूप निकली हुई है फाइनली। हाँ तीसरा दिन ओ या दैट्स तीसरा दिन, एक्चुअली में तीसरा दिन हुआ ये। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है हमारे साथ, हम जिस दिन आए हैं आज के दिन सिचुएशन इतनी ख़राब है इनकी करेंसी की कि दिन प्रतिदिन प्राइस बदलते जा रहे हैं। हम जिस दिन आए थे उस दिन कन्वर्जन रेट था 12 लीरा टू 1 यूरो, और जब हम आए थे अक्टूबर में तब 9 लीरा था, 1 यूरो से 9 लीरा, और अब 15 हो रखा है, और अब 15 लीरा 1 यूरो हो रखा है। तो एक एक दिन में इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, लिटरली हमारे लिए खाना रेस्टोरेंट्स में बहुत सस्ता पड़ रहा है, टैक्सी ड्राइव्स बहुत सस्ती पड़ रही हैं, पैसा ही पैसा हो गया। और अभी टैक्सी वाले बंदे ने अपनी करेंसी में लेना ही बंद कर दिया, उसने कहा यूरो में हमें पे कर दो क्योंकि उसे डर है कि पता नहीं कि अगले कुछ दिनों में कितना गिर जाएगा इनका करेंसी का प्राइस। बुरी हालत है इस चीज़ की यहाँ पर, लेकिन लोगों के लिए यहाँ पर बेकार है, लेकिन हमारे लिए अच्छा है, एज टूरिस्ट अच्छा है। ये भी यहाँ के बड़े फेमस फिश रेस्टोरेंट्स हैं, इन बोट्स के अंदर किचन है और यहाँ बैठने की जगह है खाने के लिए। इतने दिन के धूप और बारिश के बाद एक रेनबो भी निकल आई है। यहाँ एक अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल भी है, बिल्कुल दिल्ली में जैसे होता है। हाउ लॉन्ग इज द टूर? 1.5 hours. ओके, and which path red, do we follow? Red okay, red line. Okay, all palace, all museum, all nice houses. Okay, it's very beautiful path from Turkey. Okay, nimbu ke bina wo baat nahi aa rahi. Namak to hai isme, namak se kaam chal jata hai, lekin lemon nahi hai, taste nahi aa raha, right? Ha, lemon nahi hai.